हाय गाइस, दिस इज टिंटिन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ दमदम कैंटोनमेंट में आपको शॉपिंग की सारी जगह दिखाने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर जो रेलवे टिकट काउंटर है वही उसी के पास से आपको निकलना पड़ेगा एंड शुरू होगा आपका मार्केट का प्लेस। चलो फिर देखते हैं आज का कलेक्शन क्या क्या है, कितने पैसे में आपको सब कुछ मिल रहा है मैं आपको बताने वाली हूँ। आज का वीडियो दोस्तों नाइट में शूट हुआ है, थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन देख लेना, तो वीडियो बहुत ही अच्छा बना है तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना आगे का नोटिफिकेशन पाने के लिए, लाइक शेयर एंड कमेंट। हाँ तो आप देख सकते हो जैसे आप स्टेशन से बाहर आओगे आपके यहाँ पर एक मंदिर मिलने वाला है, मंदिर के पास से आप जब भी निकलोगे तभी आपका मार्केट प्लेस शुरू होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो कुर्तीज का सेट है, टॉप्स मिल रहा है यहाँ पर। मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये लोग नहीं बताने वाले, यहाँ पर अभी आपको आके बार्गेन करना पड़ेगा। 200 से 250 के बीच में आपको सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। देख सकते हो आप 200 से 250 के बीच में सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर। जो ड्रेसेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा में मिल रहा है, 300 के 350 के बीच में आप देख सकते हो। आप इस दुकान पर भी आ सकते हो। यहाँ पर ब्लाउजेस का भी बहुत अच्छा सेट है, 200 से 70 रुपए से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ये जो ब्लाउजेस है वो सिर्फ 70 रुपए में मिल रहा है, ये जो है वो 60 में मिल रहा है, यानी यहाँ पर जो कुछ भी हो आपको 200 के बीच में मिल रहा है। साड़ीज का भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, गर्मी में जो आप घर में पहनने वाले उसके लिए बेडशीट भी मिल रहा है यहाँ पर 200 के बीच में। आप देख सकते हो साड़ी जो है 300 में मिल रहा है, घर में पहनने वाली जो सूती का साड़ी होता है वो सब। यहाँ पर नाइटी जो है 130 से स्टार्ट हो रहा है, 150 के बीच में भी है। आप यहाँ पर बार्गेन नहीं कर सके, यहाँ पर फिक्स प्राइस है। निशा स्टोर से दुकान का नाम, यहाँ पर भी आप देख सकते हो रतन स्टोर से 130 से लेकर 90 स्टार्ट हो रहा है। कुर्तीज भी है 200 से 300 के बीच में। इस दुकान का नाम है निशा फैशन, 150 से स्टार्ट हो रहा है मैक्सीज। आप कुर्तीज भी ले सकते हो, टॉप्स भी है यहाँ पर। ये सारी चीज़ों का प्राइस आपको 300 तक में मिल जाएंगे। अब देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। अगर आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते जैसे कि न्यू मार्केट या गड़ियाहाट मार्केट तो आप यहाँ पर आ सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में आपको सब कुछ मिल जाएंगे क्योंकि वहाँ पर आपको 150, वहाँ पर जो सारे ड्रेसेस 150 से स्टार्ट होते हैं यहाँ पर आपको 200 में मिल जाएंगे। अगर आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते ना, आप दमदम कैंटोनमेंट के पास में ही रहते हो जैसे दुर्गा नगर बीआरटी, आप यहाँ पर आ सकते हो। आप इस दुकान पर भी देख सकते हो 200 से स्टार्ट हो रहा है, 300 के बीच में आपको मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। 400 ये लोग मांग सकते हैं लेकिन आपको बार्गेन करना पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्कार्फ मिल रहा है वो सिर्फ 100 से है, 80 रुपए में भी आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर जो दुपट्टा है वो 100 से स्टार्ट हो रहा है, 150 तक में भी है। बहुत ज़्यादा वैरायटी है, इस आंटी के पास हाय बोल दो, हाय बोल दो। यहाँ पर आपको 150 तक में बहुत कुछ मिल जाएंगे। लेगिंग्स जो कितने का है, 120 रुपए से स्टार्ट हो रहा है, यहीं पर आपको मिलने वाला है। आप लोग देख सकते हो साइज, ये वाला जो येलो वाले में जो है उसका साइज में आने वाला है 120 में लेगिंग्स। दुपट्टा इसका बहुत ही अच्छा कलेक्शन आ रहा है। हाँ तो आप जब कैंटोनमेंट से निकलोगे तो आपको देवोनियर भी मिलने वाला है, उससे आपको सीधा ही लेना है और फिर से मार्केट में ही घुसना है। तो दोस्तों देवोनियर के अपोजिट में एक दुकान मुझे मिला है जो कुर्तीज के बहुत ही अच्छे कलेक्शन यहाँ पर मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो जो 300 के बीच में आपको प्लाजो के साथ एक कुर्तीज मिलने वाला है, जो ऊपर वाला है ना जिसके प्लाजो नहीं है। अंकल हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय बोल दो। जो ऊपर में जो है ना कुर्तीज वो आपको 180 में मिलने वाला है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ, देख सकते हो जो व्हाइट वाला है जिसमें कॉटन का है, बहुत ही कंफर्टेबल है यहाँ पर। देख सकते हो व्हाइट, पिंक, येलो, ऑरेंज सब कुछ आपको 180 में मिलने वाला है। जो नीचे वाला है ना आपको 200 में मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है इस दुकान का, आप यहाँ पर आ सकते हो। हाँ तो आप देख सकते हो क्योंकि समर आया हुआ है यहाँ पर, लड़कों के लिए शॉर्ट पैंट्स है एंड कॉटन का जो है टीज भी है। अंकल आपको दिखाने वाले हैं, एक बारी दिखा दो भैया, देख सकते हो बहुत ही अच्छा है।
बहुत ही अच्छे अच्छे कलर आया हुआ है, कॉटन कलेक्शन समर के लिए आप लोग पहन सकते हो, यहाँ पर आ सकते हो इस अंकल के पास। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर ब्लाउज का बहुत ही अच्छे कलेक्शन आया हुआ है, आप देख सकते हो ये जो है 220 है, ये जो है 120 में है, ये जो है 280 में है, ये जो ब्लैक वाला है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गॉर्जियस, आप किसी भी कलर के साड़ी के साथ इसको ले सकते हो, ये भी 280 में मिल रहा है। यहाँ पर हर एक ब्लाउज का अलग अलग प्राइस है, आप लोग आ सकते हो यहाँ पर देख सकते हो, दुकानदार को भी आप देख लो, हाय बोल लो, यहाँ पर आप आ सकते हो, बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। आपको अगर आपके बेबी के लिए कुछ खरीदना आप यहाँ पर खरीद सकते हो, 80 से 100 के बीच में है। आप देवोनिया के पास से निकलते हो रामप्रसाद वस्त्रालय तक जब आओगे उसके पास से एक दुकान है, आपको दिखाती हूँ, शांति वस्त्रालय, यहाँ पर बहुत ही अच्छा साड़ीज का कलेक्शन आया हुआ है। आप जसोदा में भी जा सकते हो, यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छा मिलने वाला है आपको साड़ीज के लिए, आप आ सकते हो। जसोदा के पास से निकलते हुए आप जब यहाँ पर घूमोगे, आप जब राइट टर्न लोगे, शूज़ का बहुत ही अच्छा कलेक्शन आपको दिखने वाला है, देख सकते हो, लड़कियों लड़कों सभी के लिए है, बच्चों के लिए भी है, 200 से 300 के बीच में सब कुछ मिलने वाला है, बहुत ही प्यारा ड्रेस है, आप आ सकते हो, आपको बार्गेन करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, हाय बोले दो, हाय कर दो, हाय, आपने अभी थूका ना वो भी वीडियो में आ गया, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। घोड़ा बाजार मार्केट नियर जशोदा 200 से 250 के बीच में, 300 तक में भी है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, आपको अगर ज़्यादा दूर नहीं जाना है, आपको कोई चीज़ अभी चाहिए ना तो आप अभी न्यू मार्केट या कहीं पर भी नहीं जा सकते हो, तो आप यहाँ पर आ सकते हो घोड़ा बाजार में, जो लोग सेंट्रल कोलकाता में रहते हो ना वो लोग आ सकते हो, नॉर्थ कोलकाता में भी जो लोग रहते हो वो लोग आ सकते हो। आप अगर आप दुर्गा नगर रहते हो, बिराटी रहते हो, मधुग्राम रहते हो, खरीद सकते हो, बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है, पॉम पॉम भी लगा हुआ है इसमें, बहुत ही अच्छा है, बेल्ट भी है, आपको बार्गेन करना पड़ेगा। तो एक बार रामप्रसाद वस्त्रालय के पास से जो रास्ता जा रहा है ना वहां पर मार्केट है, आप देख सकते हो इस दुकान पर इयररिंग्स का भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, 60 रुपये से स्टार्ट हो रहा है, 100 तक में है, आपको बार्गेन करना है, आपको कुछ भी मांग सकते हैं, 200 रुपये भी बोल सकते हैं ना, लेकिन आपको समझदारी से काम लेना, आप पिछले वाली मेरी जो वीडियोस है वो देख लो, किस मार्केट के कितने में प्राइसेस मिल रहा है, इयररिंग्स का क्या मार्केट रेंज है, उसके बेसिस पर आप अगर यहाँ पर आते हो तो आप बोल सकते हो। मेरा न्यू मार्केट कलेक्शन आप देख सकते हो मेरे चैनल पर ही है, TINTIN, TINTIN, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। इस लड़के के दुकान पे पा सकते हो, बहुत ही अच्छे कलेक्शन है, टॉप्स भी आप देख सकते हो, आपको बार्गेन करना पड़ेगा, हाँ देख सकते हो आप। इसके बाद आप डिजाइनर तक जब आके पहुंचोगे ना, उसके पहले आपको एक रास्ता दिखने वाला है जो कि धोपा पुकुट तक जा रहा है, उस पर आपको चलना है सीधा, उसके बाद आप लालटूस गोलबड़ी तक आके पहुंचोगे, उससे सीधा निकलते आपको राइट ले लेना है, अब देख सकते हो आप यहाँ पर आके पहुंचोगे, फिर शुरू होगा आपका दूसरा मार्केट, घोड़ा बाजार में ही है, धोपापुकुर के पास में, लड़कों के लिए बहुत ही अच्छा कलेक्शन, अब देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है लड़कों के, देख सकते हो यहाँ पर भी है, आपको बार्गेन करना है, यहाँ पर आपको सब कुछ 200 से 300 के बीच में मिलने वाला है, आपको सिर्फ बार्गेन करना है, देख सकते हो बहुत ही वैरायटी वाला कलेक्शन है, समर के लिए, विंटर के लिए भी है, 200 से 300 के बीच में है, जीन्स भी है,
नियॉन ऑरेंज ब्लैक वाइट येलो आपको बार्गेन करना है, ये लोग आपसे 500 भी मांग सकते हैं। कैप्स का भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, 80 से 100 के बीच में। आप इस दुकान पे आ सकते हो, दुकानदारों को भी देख सकते हो। पैंटालूंस के पास से नहीं है, डोमिनोज के पास में दूसरा है। कैप वाला कलेक्शन आप देख सकते हो, 80 से 100 के बीच में। आप दुकानदारों को भी देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं टिनटिन आप लोगों के लाई थी गोला बाजार का लेटेस्ट कलेक्शन। अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी करना। अगर आपको दूसरी तरीके की वीडियोस देखनी, अगर आपको लगता है मेरी वीडियोज़ में कोई कमियाँ है उसको भी बता देना आप लोग, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।